हेलो गाइज वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल दिस इज रोहित रोईथर आज के वीडियो में देखने वाले हैं पिंपरी चिंचवाड़ा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आप इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल देखने वाले हैं पिंपरी पिंपरी चिंचवाड़ा कॉलेज के बारे में आ, तो यहाँ पे जितना भी ए टू जेड आपका प्लेसमेंट कट ऑफ मैथ्स हॉस्टल वगैरह सबके बारे में देखेंगे तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेट्स प्ले द इंट्रो पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू ओवरव्यू देखना जरूरी है ओवरव्यू में क्या है आपका ये कॉलेज कभी हुआ था आपका ये कॉलेज इस्ट हुआ था 1999 में अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपका निगिडी पुणे में आया ओके अगर कैंपस साइज की बात करें कि कितना इनका कितने एकर्स का कैंपस है तो थर्टीन एकर्स का इनका कैंपस है और ये आपका यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है सावित्री बाई पुले सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ओके तो यहां से आपका ये यूनिवर्सिटी आपका एफिलेटेड है और अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक बताएं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप देख सकते हो ओके तो ये तो हो गया ओवरव्यू के बारे में आगे आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है कोर्सेज के बारे में क्या है तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सा कोर्स ऑफर करता है यहाँ पे आपका अंडर ग्रेजुएट जैसे हो गया पहले हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर करता है यहाँ पे इंटेक भी दिया हुआ है कि उसमें कितना इंटेक है इतने सीट्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफर होता है यहाँ पे इसमें भी 180 हंड्रेड एटी सीट्स है उसके बाद आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी ऑफर होता है जिसमें आपको 240 सीट्स है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ऑफर होता है इसमें 120 सीट्स है सिविल इंजीनियरिंग ऑफर होता है सिविल इंजीनियरिंग में सिक्सटी सीट है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ए आई एन एम एल मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन uh, लर्निंग तो इसमें भी आपका कुछ सिक्सटी सीट्स है और यहाँ पे और भी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग रीजनल लैंग्वेज जो आपका 60 सीट उसमें भी देखने को मिलेगा तो ये आपके कोर्स ऑफर होते हैं आपके पिपरी पिंपरी चिंचवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में ओके okay? तो आगे बढ़ते हैं हम मोड ऑफ एडमिशन के बारे में देख लेते हैं तो मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे है जेई मेंस और आप एम एस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो पिंपरी चिंचवाड़ा कॉलेज इंजीनियरिंग ऑफ कॉलेज ठीक है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो यहाँ पे आप आ, जे मेन्स और एम एस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो ये तो हो गया आपके मोड ऑफ एडमिशन के बारे में अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फीस के बारे में इंस्टीट्यूट फीस इनका कैसा है तो इंस्टीट्यूट में मैं आपको स्क्रीन uh, पे दिखा रहा हूं इंस्टीट्यूट फीस कैसा है इनका तो सबके लिए फीस है वो अलग अलग है ओके तो आप यहाँ पे स्क्रीन uh, पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे आ रहा है तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी उनके लिए फीस है अगर आप महाराष्ट्र के हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए फीस है वन लैख थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी नाइन रुपीज अगर आप आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र हो मतलब जैसे अदर स्टेट से आ रहे हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने तो आपके लिए फीस हो जाता है वन लैक थर्टी नाइन थाउजेंड फिफ्टी नाइन रुपीज ओके okay. मतलब एक हजार रुपए ज्यादा हो जाता है जनरल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे ओके ऐसे ही आपका एस सी एस टी कैटेगरी है एस टी एस टी कैटेगरी में अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपका फीस रहता है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी नाइन रुपीज ठीक है और अगर आप जैसे यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी है आपके एस बी सी एन टी टी एफ डब्ल्यू एस की कैटेगरी है इनका फीस है ट्वेंटी थाउजेंड इसका फीस है ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सिक्स रुपीज तो ये अलग अलग कैटेगरीज है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप वीडियो को स्टॉप करिए और चेक कर लीजिए ठीक है तो ये हो गया आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम बात यहाँ अभी, 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 अभी हम बात करेंगे हॉस्टल और मेस फीस के बारे में कि आपका हॉस्टल और मेस फीस कैसे कितना है वहां पे तो यहाँ पे आपको देख रहा है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ओल्ड बॉयज हॉस्टल फीस है जो आपका फोर ओल्ड बॉयज हॉस्टल है वहां पे आपको थर्टी सेवन थाउजेंड भरना है थर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज आ, और जो आपका न्यू बॉयज हॉस्टल है जो अभी नया नया बना है वहां पर आपका फीस है फोर्टी टू थाउजेंड पर ईयर ओके तो ये हो गया आपके फीस के बारे में ये तो हो गया बॉयज के बारे में अगर हम गर्ल्स की बात करें गर्ल्स हॉस्टल का फीस है फोर्टी टू थाउजेंड तो गर्ल्स बॉयज दोनों हॉस्टल आपको यहां पे देखने को मिलेगा एक चीज कंफर्म हो गया अब हम बात करेंगे कि मेस मेस का चार्जेस कितना होता है तो मेस का चार्जेस थर्टी फोर थाउजेंड रुपीज उनका मेस का चार्ज होता है तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है एवरी इंफॉर्मेशन इनके वेबसाइट से ही लिया गया इनके वेबसाइट पे सब मेंशन किया गया था तो वो इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो इनके वेबसाइट से उठाया गया है ठीक है तो ये सभी आपका फीस है तो हॉस्टल और मेस फीस के बारे में हमने बात कर ली अब हम बात करेंगे कट ऑफ्स के बारे में कि कट ऑफ यहाँ पे कितना गया है आपका कितना कट ऑफ आएंगे तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ देखने के लिए आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है तो ओपन कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए यहां पे देखो आ, अलग अलग ब्रांच का हम डायरेक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का देखेंगे कंप्यूटर तो इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 98.3 परसेंटाइल परसेंट होना चाहिए आपका तभी आपको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा ये आई थिंक एमएसटी का है अगर हमई मेन्स के थ्रू अगर आप यहां पे जा रहे हो तो जेई मेन्स के थ्रू नाइन्टी फाइव परसेंट आइल होना चाहिए नाइन्टी फाइव पॉइंट सिक्सटी परसेंट आइल आप जेईमेंस के थ्रू यहां पे एडमिशन ले सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में तो आपको मैं पूरा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वीडियो को स्टॉप करो और जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो वो कैटेगरी का आप स्टॉप करके यहाँ पे फी uh, सॉरी यहां पे आप कट uh, ऑफ दे सकते हो कट ऑफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ठीक है तो ये हो गया आपके कट ऑफ्स के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं आगे प्लेसमेंट के बारे में इनका प्लेसमेंट कैसा है ओके सो प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन uh, कर रखा है कि इनका जो मैक्सिमम uh, अभी तक पैकेज गया है वो 32 टू का पैकेज गया है पर ईयर और जो आपका एवरेज uh, पैकेज गया है वो 7 लैक्स गया है तो हम थोड़ा इसको ब्रीफली देखेंगे इनके प्लेसमेंट के बारे में कि इनका प्लेसमेंट कैसा है तो यहाँ पे हम उनके वेबसाइट पे आ गए वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हो इन ये, ये लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे मैंशन कर रखा है कि uh, इनका जो मैक्सिमम सैलरी ऑफर्ड हुआ था थर्टी टू लैक्स हुआ था जैसे मैंने अपने पीडीएफ में डाल रखा है और यहाँ पे इंटरनेशनल पैकेजेस भी लगते हैं बच्चे जाते हैं जापान वगैरह में पैकेज लगे हैं जापान की कंपनियां कुछ आई हैं तो वहाँ पे ट्वेंटी लैक्स और सेवनटीन लैक्स का पैकेज लगा है जापान में तो वो भी मैंसन कर रखा है ये लोग ने कि वहाँ पर ज़्यादा नहीं लगा है इंटरनेशनल पैकेज लेकिन ट्वेंटी लैक्स सेवनटीन लैक्स इट्स ठीक है इतना भी खराब नहीं है ओके तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि कितने स्टूडेंट लोग सेवन लैक्स पैकेज उठाए हैं तो यहाँ पे ये लोग ने दिया है कि एटी एट ऑफर जो है वो सेवन लैक्स तक गया है और टू फिफ्टी फोर ऑफर जो है वो फाइव लैक्स स्टूडेंट्स को सॉरी जो टू फिफ्टी फोर ऑफर है वो आपको फाइव लैक्स का मिला है टू फिफ्टी फोर स्टूडेंट्स को ऑफर और 551 फिफ्टी वन स्टूडेंट को 4 लाख तक का ऑफर मिला है ओके okay. तो ये आपको यहाँ पे ये लोग ने बता रखा है कि किसको कितना कितना ऑफर मिला है ये 2019 और 20 का प्लेसमेंट का स्टेट ये बता रहा है आपको स्टेट्स इनके वेबसाइट से ही उठा के आपको सब वेबसाइट का ही मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे देख सकते हो मेजर major... यहाँ पे मेजर रिक्रूटर्स कौन रहे मेजर रिक्रूटर्स आप जैसे देख सकते हो जे एफ इंडिया रहा है जो 32 लाख ऑफर किया है एमजॉन आता है यहाँ पे 28 लाख ऑफर किया है उसके बाद आपका एडोबी आता है यहाँ पे एडोबी ने ऑफर किया है इलेवन लैक्स फ्लिपकार्ट आता है फ्लिपकार्ट Flip, ने भी ऑफर किया फ्लिपकार्ट भी आती है फ्लिपकार्ट ने भी इलेवन लैक्स ऑफर किया है वी एम वेयर ने टेन लैक्स ऑफर किया है आपकी एल टी आई कंपनी है उन्होंने भी टेन लैक्स ऑफर किया है सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसने उन्होंने सेवन पॉइंट फाइव लैक्स तो यहाँ पे अच्छा खासा अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हो ना इनका जो हाइएस्ट प्लेसमेंट है वो काफी अच्छी खासी गई है ठीक है और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे विजिट करती है टाटा एसेंचर एमेजोन फ्लिपकार्ट एडोबी वी एम वेयर बहुत सारी कंपनियां हैं मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सब दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे आप देख सकते हो सबका वीडियो को स्टॉप करो पूरा पैकेजेस इनका चेक करो ये सब हाईएस्ट पैकेजेस इनके गए हैं एवरेज पैकेजेस भी दे रखा है कौन कौन सी कंपनी ने एवरेज पैकेज दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये लोग बल बल्क में भी उठा के ले गए हैं जैसे उनका ज्यादा सैलरी नहीं होता क्योंकि जब भी ढेर सारे स्टूडेंट को बल्क में ले जाते हैं तो ज्यादा सैलरी नहीं ऑफर होता है उनको एक स्टूडेंट को कुछ थ्री लैक्स का पैकेज मिलता है पर एन एम थ्री पॉइंट फाइव लैक्स का मिलता है फोर लैक्स का मिलता है तो ऐसे रहता है तो वो मोस्ट ऑफ करके ऐसी कंपनियां हैं आई uh, बी एम हो गई जैसे आपका टी सी एस हो गया इन्फोसिस हो गया तो ये सब कंपनियां ना बल्क में उठाती हैं कम सैलरी देती है तो ऐसा भी है कि मतलब वहां पर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा ये ठीक है ये है कि आप प्लेसड हो जाओगे किसी ना तो किसी कंपनी में बट एग्जैक्टली ठीक है ओवरऑल अगर हम देखें इस कॉलेज के बारे में तो अमेजिंग कॉलेज बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और आपका हॉस्टल फीस वगैरह मैंने सब बता रखा है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी कैसा है आपको सभी पता हो गया ओवरऑल जो इस कॉलेज में पता होना चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही आगे बहुत सारे वीडियोज़ इन फ्यूचर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी